왜야? 룸으로 오해잖아. मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक मिनट छोड़ो अच्छा सुकून की जिंदगी गुजारना क्या हो गया कहोगे बेटा ओए छोड़ो छोड़ बोल रहे हो रोते रोते भी मार रहा सच बोलो बोलो ये क्या चीज झूठ मत बोलो सच बताओ ओए सच बताओ क्या है ये तुम्हारे कहा नाम है तुम पागल हो क्या ओए मेरी शर्ट फट जाएगी तुम्हारे फाड़ने की कोशिश तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हें लगता है तुम्हें ये लग रहा है कि मैं रो दूंगी ये लग रहा है मेरी बात सुन ले अच्छी लड़की है तुम्हारा बेटा भी है उसको खोलो ना ये रोने का नाम यार क्या भी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर से एक प्रैंक वीडियो है। अपनी बेगम के ऊपर मैं प्रैंक करने लगा हूं, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो बहुत ज्यादा जालिम होने वाली है। ये मेरी बेगम बिल्कुल पागल हो जाएगी, बिल्कुल पागल। तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी कि मैं इसका बड़े अरसे से माइंड बना रहा हूं, दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी। तो ये देखें, ये ओरिजिनल निकाह नामा है। मेरी पहले शादी हो चुकी है, मेरा ओरिजिनल निकाह नामा है। तो अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो आज हम फिर से आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार एंटरटेनिंग वीडियो को लेकर आए हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। ये वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ एक गेम के अलावा जो है ना एक बात शेयर करना चाहूंगा और इनके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। मैं कह रहा था कि ये ऑन कैमरा बात को रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपको पता लगे। देखिए, अगर मैं इनके सामने अकेले में शेयर करता ना तो ये हो सकता बेहोश हो जाती, गिर जाती या कुछ भी हो जाता। बना लेते हैं अभी, जरा मैं बात कर लूं। तो मैंने इनका बड़ा आहिस्ता आपने देखा होगा, मैंने इनका माइंड बनाया दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी। तो अब शुक्र अल्लाह पाक का ये इतनी मिच्योर हो गई हैं कि ये इस बात को समझने के काबिल हो गई हैं। तो आज हम इनके साथ एक सच्ची चीज को शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यू आर माय सेकंड वाइफ। ओके ठीक है ना, हो गया प्रैंक। प्रैंक नहीं है, तू प्रैंक समझ रहा है? वैसे नहीं, मेरा प्रैंक ना करो मेरे साथ, तबीयत नहीं ठीक ना। अच्छा गेम वीडियो, ये सही कह रहा हूं, सच्ची बात है। गेम वीडियो ना देखो, बात जो शादी ना कुछ मजबूरी बन गई थी ऐसी कि मुझे छुप के करनी पड़ी। अच्छा, वो ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का कि वो सेट है, दूसरा घर उसको लेके दिया हुआ। क्या सेट है ये पता ना, वो जो घर है मेरा रेंट पे दिया हुआ। हाँ। वो उन्हीं को दिया हुआ, पूरी फैमिली को। बस 10 थोड़ा सा किराया खुद ही कम रखा हुआ। यार ये देख ले, इसी वजह से ना मैं ये इसको दिखाने के लिए लाया था। ये ओरिजिनल निकाह नामा रजिस्टर्ड है, ये देख ले। इसके ऊपर ये स्टैम्प्स लगी हुई है गवर्नमेंट की सारी, पढ़ लेना ताकि तुझे यकीन हो जाए। ये देखिए नंबर लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अल्लाह की कसम, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। झूठ ना बोलो। मरियम बात ये है, ये भाई ये अच्छा सिर्फ तुम शादीशुदा हो? हाँ, शादी हुई भी आपकी? शादी हुई भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह हुआ है? नहीं नहीं, सब कुछ हुआ है। शादी हुई भी है? कौन झूठ बोल रहे हो तुम? कैमरा बंद करो, मेरे पापा को बुलाओ। मेरे पापा को बुलाओ? अगर पापा, मैं सीरियस हूँ यार, मैं सीरियस हूँ। तुम पागल हो यार तुम? पापा कहाँ से आ गए कि तुम्हारी शादी हुई है 2019 में? 2019 में ऐसा कैसे हो सकता? पता क्या हुआ था? कुछ मामला था, मामला था, था? उसके वाली साहब फोटो गए थे। बात सुन ले, उसके वाली साहब फोटो गए थे। तुम बाद में चेंज हो जाता है, तू दूसरी बेगम है, वो पहली है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अब तुम दोनों को ये आमने सामने कमरा बना दूंगा, ये 10 दिन इधर एक दिन इधर, सुबह शाम दोपहर इस तरह एक्स्ट्रा ये दिन चलते रहेंगे जिंदगी। वालिद का नाम दिखाओ। हाँ वही है। तो तू कहाँ क्यों रही है पागल? ये तो तेरे लिए बड़ी आसानी हो गई। अब तो देख मिल गए, तुम लोग एक टाइम वो खाना बनाएगी, एक टाइम तू खाना बनाएगी। अब तुम दो बोल रहे हो, कैसे हो सकता है? दिखाओ, मार क्यों रहा है? तो तू सच्ची बात बताओ, तू आगे से ना ऐसे मेरे साथ मजाक करो? नहीं करो। तुम्हारे अल्लाह की कसम, मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, बस मोहम्मद सुल्तान सलीम। देख कौमियत भी लिखी हुई, शेर धोखा नहीं होता। बीवी को बताना जरूरी थोड़ी है, मैंने पहले नहीं बताया। देख बीवी किस बीवी को बताते हैं, पहली बीवी को पता होना चाहिए। उसने मुझे इजाजत दी, उस टाइम मैंने उसको बुरे वक्तों में साथ दिया था। ये मैं बता रहा हूँ, देख तूने खुद कहा ना निकी किया करो, मैंने की थी निकी। उसके ना वाली साहब का हो गया था एक्सीडेंट अचानक ही, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे एकदम से, मामला ना बड़े ज्यादा खराब हो गए थे। भाई वगैरह उनका कोई है नहीं। क्या चीज? कैमरा बंद करो ताकि तू मेरा फोन कर देना। अब तो माशाल्लाह तुम इंचोर हो गई है, अभी तूने उस दिन बता दिया मुझे कहानी था। हाँ कर लो कर लो, तो निकाह नाम है हमारा भी, निकाह नाम ही है। मुझे धोखा दिया तुमने। मैंने धोखा पता है किस सूरत में होता है धोखा? भाई आप ये बताएं, धोखा इस सूरत में होता है कि ये वीडियो अपलोड करोगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये वीडियो अपलोड करने दूंगी? तुम पहले ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे? एक सेकंड रुक जाओ, बताओ कौन है? कौन भाई? सब्र कर लो यार, अभी कोड है, देख लो कोड, उसको देख के बता दो, बाकी हम करते हैं अपनी बात। देखो
क्या हुआ? ये देखना। सच बता दो। क्या ये तो पागल तो नहीं होगी? बात सुन लेगी मेरी एक मिनट, ये बहुत जोर का लगा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये तेरे ऊपर पर्चा हो जाएगा। मैं सीरियस में, ये किसका? और ये मेरी राबिया पहली बेगम जो है ना, वो तेरे पे पर्चा कटवाएगी। मुझे डर लग रहा है। हाँ, डरने वाली बात है ये। तुम इन शरारत में मेरी बीवी है, बल्कि चलो बस अब दोनों साथ रहना। हाँ छोड़ो, टच ना करो, टच मत। यार दुनिया का सबसे बेवकूफ काम ये है कि अपनी बीवी को आप सच बताओ, झूठ बोलो, छुपा के करो, दस दिखा करो। तुमने शादी कर ली थी। हाँ। तुमने मुझे, तुम अब मुझे बता रहे हो। उसी टाइम तो मैं जॉब पे लगा था, शुक्र अल्लाह पाक ने ना उसके नसीब की मुझे, कैसे झूठ बोल रहे हो तुम, उसके नसीब की मुझे जॉब दी थी, उसको उनको जरूरत थी। मेरा निकाह नामा ना फाड़ देना, यही है मेरे पास। अल्लाह की कसम, मेरा नाम लिखा हुआ ये देख, मुझे मार देंगे भाई। ये देख लो, आप लोगों ने एफ आई आर कटवानी है, आपने मेरा मुद्दा बनना है। यार तुझे इतने दिन लगे मैच्योर करने में, तेरा दिमाग नहीं काम किया? तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम सीरियस हो? तू मेरे बच्चे को यतीम करेगी? कौन सा बच्चा? जो मेरा बेटा, जिसका मैंने अपना ये बेफाम बनवाया था ना, उसके लिए मैं लेके आया हूं। पागल हूं क्या मैं? अब तू कौन सा बेटा? एक बेटा भी है अभी किसका? तो स्कूल, अब देखना 2019, 20, 21, 22, 23 अब उसको डालना स्कूल में, तो स्कूल में चलते रहा। बेफाम नहीं बनावा, मैं तेरा आईडी कार्ड नहीं बनावा, बेफाम बनावा ना हमारा बेटा। हां अब देख, तू ये बैठे बैठा वो अम्मी बन गई, और तुझे क्या चाहिए? बस ये देखें अपना तो सबको ये बता, छोड़ एक चीज़ को, लड़ाई झगड़ा छोड़, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो इंशाल्लाह अब ये दोनों को मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के पास है। तूने मिलना, मैं मिलवा दूंगा, बड़ा प्यारा माशाल्लाह। यार तू मैंने क्या किया तेरी तबीयत नहीं सही, तो बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए इस चीज़ पे कि तेरा काम बंट गया। कैसे हो सकता है? अब देख, पहले दौर में 5,000 रुपये में हो जाता था निकाल, अब करीब 10,500 लेते हैं। नॉर्मल हो ये बात मुझे बता के। तो इसमें मैं तो पहले भी नॉर्मल रह रहा था, जिंदगी गुजार रहा था। पागल हो क्या? ओए मेरी शर्ट फाड़ दी। तुम्हें लगता है मेरी बात सुन ले, डंके की चोट पे जाऊंगा। अच्छा अब मेरी बात सुनना, अच्छा क्या इधर सुन ले, क्या हो गया बेटे, इधर सुन ले, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? दूसरे मुझे एक बात बता दे, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? इतने दिनों से जब मैं तेरा माइंड बना रहा हूँ, अब तू माशाल्लाह मैच्योर हो गई, देख तूने कितना नॉर्मल लिया, अगर जिसना तू पहले अग्रेसिव थी। यकीन ही नहीं आ रहा। बस ठीक है, तू यही समझी कि ये नहीं है। लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की कसम ये मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी है, उसी का तो बेफाम बनवाना था, तो मैंने कहा पता लग जाना चाहिए, देख तुझे बैठे बिठाए बच्चा मिल गया, तो फिर तुम भी चलो साथ। अच्छा बैठ, जो मेरी बात सुनो। मैं साथ नहीं रहूंगी, बैठ जो, हाँ छोड़ो, कोई हल निकाल लेते हैं। हाँ छोड़ो, हल निकाल लेते हैं। हाँ छोड़ो, हल निकाल लेते हैं। हाँ छोड़, हल निकाल लेंगे। सलाम कहता है औरत को बताने की जरूरत नहीं है, अब ये है कि अब तुम लोगों ने आके साथ रहना थोड़े अरसे बाद। दिल तेज से धड़क रहा, दिल ही तो धड़कता पागल। तुम कसम खा रहे हो तुम्हारा? अल्लाह की कसम, मेरा नाम लिखा हुआ है। यार ये देख दुनिया को क्या पॉजिटिव पे काम देने लगे हैं, देख तू लोग कितनी औरतों को सिखाएगी। अगर तू देखना, हम लोग मिसाल कायम करेंगे, एक घर में रहेंगे और हम लोगों ने पोर्शन भी एक बनाना है, किचन भी एक बनाना है, ताकि तुम दोनों अच्छे से घुल मिल के रहो, आपस में खेला करना, मैंने तो ऑफिस चले जाना। नहीं निकाल हमें यार। और तू ये देख शादी के फौरन बाद छोटा सा बच्चा भी, अम्मा 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 अम्मा, छोटी सी अम्मा छोटी सी अम्मा, उसको बड़ी अम्मी थी छोटी अम्मी। बच्चों से प्यार नहीं है, तू मेरे से प्यार नहीं है, मेरा फोन होगा तुमसे प्यार तोड़ गया, मेरे शक्ल देखिए अपनी, तुमसे जो प्यार करूंगी मैं। अब कैसे हो सकता है ये? मैंने ना तेरा दिमाग, अब तू सच्ची बात बता, तू गुस्सा चढ़ रहा है, तेरा दिमाग भी मुझ सही है? कैमरा ऑफ कर सुल्तान, कैमरा ऑफ कर, छुरी मार देना, कैमरे के डर से तो तू बचा हुआ पूरा, क्या नहीं हो रहा? मैं मार दूंगी। एसी चला लेते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं एसी चला लेते हैं, बैठ जा।
झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ। और चुप करके इधर बैठ के लोगों को पैगाम दो, दिस इज माय ऑर्डर। तुम सच बता रहे हो कि नहीं? यार ये सर सुर फट जाएगा, मान ले तुम्हारे सर ही फाड़ दूंगी ना। मेरी बात सुन ले, वो तो उसमें सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। तुम्हारा सर फाड़ लोगों को जब पैगाम देना तो पॉजिटिव पैगाम देना ना। झूठ बोल रहे हो सुल्तान। ये तो अभी भी झूठ लग रहा। किसका निकालना बस ठीक है, तू उसको झूठ ही समझ। जब तू झूठ समझेगा ना तेरे लिए आसान होगा, बहुत आसान होगा। जिंदगी तेरी बड़ी आराम से गुजरेगी। देखें ये दोनों साथ साथ रहेंगे। मैं क्यों साथ रहूंगी? मैं कोई गरीब हूं? मैं तो गरीब साथ रहते हैं। वो नहीं है। किसका है ये? मेरा है, तूने जो करना कर ले। तुझे भी रखूंगा, उसे भी रखूंगा। बांध के रखूंगा तुझे मैं। रखो मुझे तुम साथ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी। एक मिनट क्या कह रहे हो? एक मिनट नहीं, पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुझे प्यार से समझाया, तुझे समझ नहीं। पापा को पता लगेगा तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तुम्हें गंजा करके यहां से भेजेंगे। बैंड बाजा बुलाएंगे। बैंड बाजा नहीं, वो बुलाएंगे, वो तुम्हारा दिमागा निकालेंगे। समझाई? सुन ले, मर्द मर्द होता है, मर्द। देख कह रहे हो तुम्हारा बेटा भी है। सिर्फ उन लोगों से पूछ ले भाई, दूसरी शादी करना कोई गुनाह है तो आप कमेंट करके उसको बताना। तुम्हारा बेटा अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है, तमीज नहीं है तुझे? बेशरम लड़की, तुम एक बात बता दे, तू मुसलमान है? यकीन रखती है? हाँ जी। तो दूसरी शादी में तो ये मसला क्या? ये मसला क्या? तुमने मुझे अब बताया तुम्हारा बेटा है, तुम ये कह रहे हो? तो तुझे डायरेक्ट माँ? क्या डायरेक्ट माँ? अम्मी ये तुम्हारे घर पता था ये बात? घर वालों को भी क्या? तुम्हारे घर वालों को पता? शादी करने के लिए घर वालों को बताना जरूरी है? मर्द जो होता है वो अपना वली खुद होता है, उसको किसी वली की जरूरत नहीं होती। तुम यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, तुम्हें पता है? लाश जाएगी, लाश तो ये बल्कि मैं साथ लेके जाऊंगा। अब तुम दोनों साथ रहोगी और लड़ना झगड़ना नहीं। बड़ी नेक से तो मासूम सी सीधी सी लड़की है वो। अच्छा हाँ जी, छोड़ो हाथ। तो जी मैं क्या कह रहा हूँ? हाथ मुझे टच मत करो, टच मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात सुनो, मैं सर मार दूंगी तुम्हारे नाक के ऊपर। उतार तेरा, तुम सीरियस हो? मैं कह रहा हूँ चुप करके ना उसके साथ रह ले। क्यों रहूं? तो फिर किसके साथ रहेगी? तुम्हारा बेटा है। अलग कर लेके दो। तुम ये कह रहे हो? तू उसे मिलेगी ना? तुम्हारा बेटा है? तस्वीर दिखाओ अपने बेटे। मैं तो दिखाता हूँ, तू जब उसे मिलेगी ना, माशाल्लाह बड़ा प्यारा और जो है ना वो हमारी वीडियोस देखता है। उसको मैंने जब से हमारी निकाह हुआ ना, तुम्हारी बीवी को पता है? मैं तुम्हारी बीवी हूं। उसको बता के किया ना, उसकी इजाजत लेके किया। मैं शादीशुदा आदमी ये कह रही हूं। आई एम माशाल्लाह वन किड। हां क्या कह रहे हो यार, तुम मत करो ऐसे। क्यों तंग कर रहा है? मत करो। मेरी सिर्फ एक बात सुन ले, ओडी तुम कसम खाई है कि तुम्हारा है। हां ये मेरा, अल्लाह की कसम मेरा ये था, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ। तूने इसको फाड़ा क्यों? पहले मुझे चीज का जवाब दे। ये तमीज नहीं है? निकाह नामे ऐसे फाड़ते हैं? शरीयत कैसे मजाक उड़ाते हैं? 2020 में कैमरे की वजह से। और दूसरा इस वजह से चल कोई बात नहीं, तू मेरी बीवी। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा बंद होगा तो तू जलाद नहीं बन जाएगी। तुम क्या? एक सेकंड मेरी बात सुन लेगी? सिर्फ देख, शादी के बाद सबसे ज्यादा मसाइल कहाँ पे आते हैं? मैंने ये काम करना है, मैंने वो करना है, सुकून की जिंदगी गुजारना। क्या हो गया? कहो गया बेटा? झूठ बोल रहे हो। रोते रोते भी मार रहा। सच बोलो, बोलो। जी क्या चीज? झूठ मत बोलो, सच बोलो। रोते रोते भी मार रहा। सच बोलो, बता रही हूँ। जो भी बोलना मैं कसम खाऊंगी तुम्हारा। अल्लाह की कसम मेरा, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ। रो क्यों रहा है? नहीं क्यों यार, तो रोने में मन साथ ही रहने ना। मेरी एक बार मेरी बात सुन ले। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ मेरी बात सुन ले। हाँ। तुम दोनों साथ घुल मिल के जब बच्चे से रहोगी तो मसला क्या है? मसला एक, कोई एक मसला बता दे। एक मसला चल दिमाग पे जोर डाल, मैं यही चाह रहा हूँ। जब सॉरी, अभी तो गुस्से में थी, अभी तो गुस्से में है। जब तू शांत होकर सोचेगी ना तो तुझे इंशाल्लाह रिलैक्सेशन मिलेगी, सुकून मिलेगा तुझे बहुत ज्यादा। और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे रहना पड़ेगा, निकाह हो गया, शादी हो गई है। निकाह में रहूंगी, तुम्हारे साथ तो नहीं रहती मैं।
झूठ बोल रहे हो यार, देख तू मार ना मुझे, झूठ बोल रहे हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि चल तुझे एक सच्चाई पता लग गई है तो मैं तेरे से गुस्से में बात ना करूँ, मैं इसलिए अभी तक इतना शांत हूँ। करो मेरे से गुस्से में बात, तुम करो, मैं फिर तू यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। तुम्हारा बेटा है यार, तू तो ये बैठे बिठाए अम्मी 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 अम्मी, बल्कि अभी वो कमेंट भी करता है अक्सर। किसका नाम कहना था? ये मेरा था, नाम नहीं पढ़ा तुम्हें? यार तेरे से अगर मैंने सच बोल दिया तो सारी जिंदगी झूठ बोलता। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे साथ खड़े होना, मैं ये चाह रहा हूँ मेरी पूरी फैमिली को पता लग गया इस तरह ना एक दफा ही। अब मैं थोड़ी अलग अलग, सिर्फ मेन मकसद था तो ये बताना। वाह हो गया यार, रो क्यों रहा? वो अच्छा ना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ एक मिनट। अच्छा ना, सॉरी प्रैंक कर रहा था। ये निकाह नाम है, अच्छा निकाह नाम है, अल्लाह की कसम प्रैंक कर रहा था। ये निकाह नाम है, प्रैंक कर रहा था तू, रो क्यों रहा? ये निकाह नाम है, डाउनलोड से डाउनलोड किया था, फिर मैंने इसको खुद कर लिया। ये देख, अच्छा दोस्ती कर ले सबके सामने, तू बाद में मारेगा तो नहीं? वादा कर। नहीं, सब सबको बोल दे, सब आप पे प्रैंक नहीं करूंगी। अच्छा ना, मजाक कर रहा है? नहीं आप करूंगी, आप भी नहीं करोगे यार, ये मजाक है। नहीं आप भी नहीं करोगे, इस तरह का प्रैंक नहीं मैं करवा सकती खुद से, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, मैं कह रहा हूँ मजाक कर रहा था। तुमसे दूसरी शादी वाला की मजाक करते हो, तुम इतना कहते हो उसका मतलब तुमने की भी है। तू अब अभी इसने मेरे साथ ना एक हफ्ता ये सर दर्द लगानी है, देख लें आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 98% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं। तुमने बहुत तुम्हें मारा मैंने इसमें, हैं वीडियो नहीं डालना ये। तो तू रोई क्यों? असल इसको मसला पता किया, इसने पिछली वीडियो में भड़क मारी थी, मैं राजपूत नहीं हूँ राजपूत नहीं हूँ, लग पता गया रोना निकल गया ना, इसलिए डर गया। नहीं हमें इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सबके सामने सलाम कर लो, कहो हमारी दोस्ती है, दोस्ती है, कोई अब मारेगा तो नहीं, वीडियो मत डालो, मारेगा तो नहीं? नहीं, ठीक है जी, हमें इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलते हैं एक नए प्रैंक के साथ। इसमें पढ़ दें।